भागवती जी कहते हैं कि जब आप भोजन करें कभी भी, तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें, भोजन का समय निश्चित करें। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया। हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। इस शरीर में जठर है, मैंने आपसे कहा उसमें अग्नि प्रदीप्त होती है। तो भागवती जी कहते हैं कि जब जठर में अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा, और रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र मेद और आपकी अस्थियां, इनका विकास होगा। तो कभी भी कुछ ना खाएं, ये पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो। हमारे यहां ये नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो। आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूं। भागवती जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें, और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठर अग्नि की प्रबलता हो। भागवत जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है। जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है, तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है। सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। सूर्य के उदय होने से, सूर्य का उदय होना आप चेन्नई के हिसाब से सोच लीजिए, मान लीजिए 7 बजे, तो 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होगी। हो सकता है यही सूत्र अरुणाचल प्रदेश में मैं बात करूं तो वो 4 बजे से 6:30 का समय आ जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 4 बजे निकल आता है। तो सूर्य का उदय जैसे ही हुआ उससे अगले 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें, इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें। वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें। वो ये कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक अगर आपने भरपेट भोजन किया है तो इसमें से जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद, एक एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह 7 बजे से, आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं, 7 बजे से 9:30 जठर अग्नि बहुत तीव्र होती है। भागवत जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हृदय है हृदय, और जैसे जठर है जठर, जैसे किडनी है, जैसे लीवर है, इनके काम करने का अलग अलग समय है। जठर अग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है 7 से 9:30 सूर्योदय से 2.5 घंटे तक। फिर इसी तरह से हृदय, हृदय के काम करने का समय है सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त से 2.5 घंटे पहले। ब्रह्म मुहूर्त आप समझते हैं 4:30, तो 2:15 बजे, 1.5 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हार्ट सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी समय में आते हैं। ठीक है, फिर आप बोलेंगे जी दोपहर को भूख लगी तो थोड़ा और खा लीजिए, लेकिन भागवती जी कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे ज्यादा, अगर आज की भाषा में मैं कहूं तो आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी ब्रेकफास्ट। जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। फिर वो कहते हैं दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्ते से, दोपहर का भोजन नाश्ते से कुछ कम करिए, 1/3 कम कर दीजिए, और रात का भोजन दोपहर के भोजन का 1/3 कर दीजिए। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, तो भागवती जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ, आलू का पराठा भी खाओ, गोभी का पराठा भी खाओ, मूली का पराठा खाओ, जो आपको खाना है, आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ। रसगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ, रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ, जलेबी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ। जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ।
वो ये कहते हैं कि इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, पेट भर के खाओ, तो पेट की संतुष्टि हुई, मन की भी संतुष्टि होती है। और बागवती जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज्यादा बड़ी है। मन हमारा जो है ना, ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचालित है। मन को आज की भाषा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लैंड के बारे में है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, इसमें से बहुत सारा रस निकलता है, जिनको हम हार्मोन्स कह सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं। ये संतुष्टि के लिए सबसे आवश्यक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। तो भोजन अगर आपको तृप्त करता है, भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तृप्त होना, तृप्त करेगा तो पीनियल ग्लैंड आपकी सबसे ज्यादा सक्रिय है, तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को, नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं। और जो भोजन से तृप्ति नहीं है तो गड़बड़ होती है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे। अब मैंने ये बागवती जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है, मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि मनुष्य को मैं मूर्ख मानता हूं। हालांकि मनुष्य अपने को होशियार समझता है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा होशियार ये जीव जगत के प्राणी है। आप चिड़िया को देखो, चिड़िया कितने भी तरह की चिड़िया, सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है और भरपेट खाती है। 6 बजे के आसपास आप राजस्थान में निकल जाओ, गुजरात में निकल जाओ, सब चिड़िया अपने अपने काम पे लगी हुई है, खाना खाने में खूब जम के खाती है। मैंने आपको कई बार ये कहा है, आप उसको हंस देते हैं, किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं होता, किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता। बंदर तो आपके नजदीक है ना शरीर रचना में, बस बंदर और आप में एक ही अंतर है कि उसको पूंछ है, आपको नहीं है, बाकी सब कुछ है कि आपका हृदय बंदर का हृदय, आपका लीवर बंदर का लीवर, आपकी किडनी बंदर की किडनी, सब कुछ समान है, मां का गर्भाशय बंदरिया का गर्भाशय सब समान है, एक ही अंतर है उसको पूंछ है आपको नहीं। तो ये बंदर को कभी भी डायबिटीज नहीं, आर्थराइटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग, वो रहते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक में एक उडुपी नाम की जगह है, वहां रहते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर, मैंने 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों से यह सुन रखा है कि बंदर बीमार नहीं होता, और बीमार होगा तो मरेगा ही, जीवित नहीं रहेगा, तो बंदर को बीमार बनाओ। तो उन्होंने तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया बंदर को डालना शुरू किया, कभी इंजेक्शन के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा, बंदर को कुछ नहीं हो सकता। और मैंने कहा कि आपने ये बता दिया कि ठीक है बंदर को कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दूं, बढ़ता ही नहीं। तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई, वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो ब्लड है ना, उसका आरएच फैक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है, और आपका आरएच फैक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर, तो बंदर से ही कंपेयर करता है, वो बताता नहीं आपको, ये अलग बात है, कंपैरिजन बंदर से ही होता है। कारण उसका है कि उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं, ट्राइग्लिसराइड कभी बढ़ता नहीं, डायबिटीज कभी होती नहीं, शुगर कितनी भी बाहर से इंट्रोड्यूस करो उसके ब्लड में टिकती नहीं, बंदर सवेरे ही सवेरे भरपेट खाता है जो आदमी नहीं खा पाता। भागवती जी कहते हैं कि नाश्ता सबसे ज्यादा करो, लंच उससे कुछ कम करो, डिनर सबसे कम करो। हमारा बिल्कुल उल्टा चक्कर है, डिनर सबसे ज्यादा, लंच उससे कुछ और नाश्ता सबसे कम। ये अंग्रेज और अमरीकियों के लिए नाश्ता कम है, कारण पता है, वो लोग नाश्ता हल्का ही करें तो उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए नाश्ता ज्यादा ही करना बहुत अच्छा है। कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूर्य नहीं निकलता, दोपहर को 12 बजे से 1 बजे के बीच में जठर अग्नि की तीव्रता कम होना शुरू होती है, तो उस समय थोड़ा कुछ हल्का खाएं, माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है, ना खाएं तो और भी अच्छा है, खाली फल खा लें, जूस पी लें, दही पी लें, मट्ठा पी लें आदि आदि, शाम को फिर खाएं।
जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी और शाम को जब सूर्य अस्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी, बहुत तीव्र होगी। तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो, सूरज डूबा तो अग्नि भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कहा है रात्रि भोजन निषेध है, भागवत जी भी यही कहते हैं, तरीका अलग है बस। आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता। गाय को खिला के देख लो, नहीं खाएगी, भैंस भी नहीं खाती, तो आप क्यों खा रहे हैं? प्रकृति का नियम भागवत जी कहते हैं पालन करिए, माने रात का खाना जल्दी कर दीजिए, सूरज के रहते रहते माने 5-6 बजे के आसपास आपके यहां सूरज डूबता है, 6 बजे या 6:30 बजे वही समय सबसे अच्छा है डूबने से पहले। अब कितना पहले, तो भागवत जी ने उसका कैलकुलेशन दिया 40 मिनट पहले। फिर कहेंगे जी रात को क्या, तो रात के लिए भागवत जी कहते हैं कि एक ही चीज है रात के लिए कि आप कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है। साध्वी जी तो वो भी नहीं ले सकते, साधु तो वो भी नहीं ले सकते, लेकिन आप गृहस्थी लोग हैं तो इतनी छूट चाहे तो आप ले सकते हैं। भागवत जी कहते हैं कि शाम को सूर्य डूबने के बाद, मैंने आपको कल कहा था, हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन या एंजाइम या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं, इसलिए वो कहते हैं सूर्य डूबने के बाद जो चीज खाने वाली है वो दूध है या पीने वाला है वो दूध है। तो रात को दूध रख लीजिए, 6 बजे तक भरपेट खाना रख लीजिए। सुबह का खाना अगर आपने 9:30-10 बजे खाया तो शाम को 6 बजे खूब अच्छी सी भूख लगेगी। और मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी बात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए। 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। VLDL LDL आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। HDL आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL VLDL कम होना चाहिए। तो ये सूत्र भागवत जी का जितना संभव हो आप ईमानदारी से पालन करिए।